أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين गुज़िश्ता जुमा आपने जनाज़े से मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनी। मैं चाहता हूँ कि अहकामुल जनाज़ से मुताल्लिक़ अहकामे मैयत से मुताल्लिक़ भी एक तफसीली गुफ्तगू हो, ताकि ये मसाइल और अहकाम, क्योंकि मरना तो हमने भी है। इस्लामी तरीके से हमारी तकफीन और तदफीन हो जाए तो ये भी एक अच्छी बात है कि दुनिया से रुखसत होते हुए भी आदमी मसनून तरीके से जाए, और ये जब भी मुमकिन है जब वो रसा को इसका पता हो। और अमूमन ये चीजें बीमारी से शुरू हो जाती है। अमूमन हमारे यहाँ यही मारूफ है कि मरने से पहले बीमार होना पड़ता है और फिर आदमी, या बूढ़ा होना पड़ता है, आदमी बूढ़ा होता है, बीमार होता है, फिर मरता है। और ये कोई शरी ना मसला है और ना शरीयत इसे एक्सेप्ट करती है कि बीमार होने के लिए बूढ़ा होना भी जरूरी नहीं और बीमार होना भी जरूरी नहीं। अच्छे भले बैठे होते हैं और लोग आते हैं कि मियाँ 5 लाख की पर्ची बना दे, भी काहे को बना दो, मेहनत मैं करता हूं, मैं तेरे को काहे को 5 लाख की पर्ची बना दू। बस वो वही मार के चला जाता, कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बीमारी से ही इस सिलसिले का आगाज करें कि बहुत सारे लोग नावाकफियत की वजह से जब वो बीमार हो जाते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो वो बीमारी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। बुखार को गालियां देते हैं, नज़रे दुकान को गाली देते हैं, मौसम को गाली देते हैं, उस महीने को, उस दिन को, उस रात को गाली देते हैं जिस रात में उनका बच्चा मरा, और ये कहते हैं कितना मनहूस रात थी, कितना मनहूस दिन था, कितना मनहूस महीना था, हमारे बच्चे की जान ले ली। या कुछ लोग यूं समझते हैं कि मैं अच्छा भला था, फुला आदमी ने मुझसे हाथ मिलाया और उसे भी पता नहीं यही खारिश की बीमारी थी, उसने हाथ मिलाया, उसके बाद से अब तक मैं भी खुजा रहा हूं। ये सब ज़ईफ़ और एतक़ादी। बुखारी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला सफरा वला हामा, ना तो कोई बीमारी मुतअद्दी होती है, मुतअद्दी का मतलब ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती है, जो एक से दूसरे को लग जाती है। शरीयत इसे तस्लीम ही नहीं करती कि कोई बीमारी एक से दूसरे को लग। आपने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, फिर फरमाया ना सफर का महीना मनहूस है और ना उल्लू परिंदा मनहूस है। ये लोगों में जो मारूफ है सफर का महीना, अल्लाह के रसूल इसमें बीमार हुए, उसको मनहूस कहते हैं। उल्लू कहीं बैठा देख ले, नजर पड़ जाए तो कहते हैं पता नहीं आज हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हमने उल्लू की शक्ल दे, उल्लू को मनहूस कहते हैं। आपने फरमाया ना सफर में नहुसत है, ना उल्लू में नहुसत है, और ना कोई बीमारी मुतअद्दी है। सैयद आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार नहीं हुए थे, मेरा जाती तौर पर एक नजरिया था, नुकता नजर था कि ये बुखार जो होता है ये दोज़ख़ की गर्मियों में से एक गर्मी है।
लेकिन जब अल्लाह के रसूल बीमार हुए और आपको बुखार चढ़ा और इतना बुखार चढ़ा कि हम ठंडे पानी के कई मशकीज़े आप पर उंडेल देते थे और वो तपिश खत्म नहीं होती, तो फिर मैंने अपना ज़हन बदला कि नहीं, अगर ये दोज़ख की तपिश होती तो अल्लाह के रसूल को कभी ना होता। नबी करीम को बुखार का होना इस बात की अलामत है कि ये जहन्नम की आग नहीं है। बुखारी की रिवायत है, सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल जब बीमार हुए मैं इयादत के लिए हाजिर हुआ, सलाम किया और मैंने जब आपके जिस्म को छुआ तो आप बुखार से तप रहे। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने फरमाया, अल्लाह हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए कि जो बुखार तुम दो आदमियों को होता है वो बुखार मुझ अकेले को होता है। यानी जो आम आदमी को बुखार होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उससे डबल होता है। अब हमारे यहां अमूमन जो लास्ट स्टेज है कि आदमी जहां तक बर्दाश्त कर सकता है वो 105 तक बीमार होता है और इसके बाद पट्टियां वट्टियां रखना शुरू कर देते हैं और ठंडा करने की कोशिश करते हैं और इससे भी ऊपर चढ़ जाए तो फिर आदमी एक्सपायर हो जाता है। अब मुझे डबल होता है कि माने ये है कि 210 तक हो जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे मुताल्लिक आपने फरमाया कि अगर इसमें मौत आए तो अल्लाह के यहां वो शहादत की मौत शुमार होती है। कुछ बीमारियां हैं और कुछ हादसात। आपने फरमाया 5 तरह की मौतें शहादत की मौत, और उसमें फरमाया कि अल मकरून वल मबदून वल घरब, एक जो ताऊन की बीमारी है उसे ताऊन हो और ताऊन की बीमारी में मरे। ताऊन जिसे जुजाम भी कहते हैं और उर्दू में उसको कोढ़ भी कहते हैं, ये वैसे तो ये जल्दी बीमारी है, स्किन पे बहुत मोटे मोटे घोंपटे से निकल आते हैं, पूरा जिस्म उसी में मुब्तला हो जाता है और शक्ल से बदशक्ल हो जाता है आदमी, और वो कोढ़ की शक्ल यानी कोढ़ापन आ जाता है, भद्दापन आ जाता है। आपने फरमाया और इसके लिए कुछ एहतियातें भी आपने बताई, अगरचे शरीयत ये नहीं मानती कि एक से दूसरे को कोई बीमारी मुंतकिल होती है, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐसी एहतियातें बतलाई। आपने फरमाया कि अगर किसी जगह ताऊन फैल जाए, किसी बस्ती में शहर में इलाके में, तो वहां वालों को चाहिए कि वो शहर छोड़कर बाहर न जाए, दूसरी जगह न जाए, उसी जगह रहे। और जो दूसरे शहर वाले हैं जहां वो ताऊन नहीं फैला है उन्हें चाहिए कि वो शहर में न जाए, जहां ताऊन फैला है वो उस जगह न जाए। और इसके बावजूद आपने फरमाया बीमारी दूसरे को नहीं लगती, बुखारी की रिवायत है कि आपने फरमाया कि फिर अल मज़ूम, कि तुम जुजाम वाले शख्स से यानी जिसको ताऊन हुआ है उस शख्स से ऐसे दूर भागो, कबा तफिर असद, जैसे तुम शेर को देखकर दूर जाओ।
ऐसे उससे दूर ना करो, उसके करीब ना जाओ। बाद लोग जो इसको नहीं समझते वो समझते हैं कि हदीसों में तजाद है। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, ये भी बुखारी की रिवायत, और ये भी बुखारी में मौजूद है कि ताउन वाले से ऐसे डरो जैसे तुम शेर से डरते, उससे दूर भागो, जिस शहर में आ जाए वहां से ना निकलो, और जिस शहर में नहीं है वहां से निकलकर उस शहर में ना जाओ। बजाहिर आखिर भी यही कहती है कि बजाहिर ऐसा लगता है ये एक यादें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि वहां जाकर हमें ना लग जाए, बजाहिर यही समझ में आए। बल्कि जब आप सल्लम ये फरमा रहे थे कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, तो ये भी बुखारी की रिवायत है, एक देहाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब देते हुए और अपनी बात की दलील देते हुए ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा है बीमारी दूसरे को नहीं लगती तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा एक ऊंट है उसकी जिल्द उसकी स्किन इतनी सही है जैसे हिरण की खाल, उस ऊंट की स्किन ऐसे है जैसे हिरण की खाल हो, यानी गोया ब्यूटी से तशबीह दी हिरण से, जैसे हिरण की स्किन गलेसी खूबसूरत चमकदार सेहतमंद होती है, ऊंटों की स्किन ऐसे कम होती है। फरमाया मेरे ऊंट की स्किन ऐसी होती है जैसे हिरण की खाल है, लेकिन मैं उसे रेगिस्तान में छोड़ता हूं चरने के लिए, और इत्तेफाक से उसका टकराव वहां किसी ऐसे ऊंट के साथ हो जाता है जो खारिज ज़दा है। उस ऊंट को जल्दी बीमारी है, वो खारिज ज़दा है, और फिर मैं देखता हूं कि मेरा ऊंट जो अच्छा बना था उसको जब मिलकर आता है तो मेरे ऊंट को भी वही खारिज वाली बीमारी जो उस ऊंट को थी वो मेरे ऊंट को भी हो जाती। तो ऐसा क्यों? नबी करीम गोया उसने अपनी बात की दलील दी कि ऐसा तो होता है, बीमारी तो दूसरे को लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ यह कि उसकी दलील को तस्लीम किया बल्कि उसकी दलील को रद्द करते हुए जवाब दिए। आपने फरमाया अच्छा ये बता, तू ये समझ रहा है तेरे ऊंट को उस ऊंट ने बीमारी लगा दी, तो वो जो ऊंट जिसने तेरे ऊंट को बीमारी लगाई है उसको किसने लगाई, उसको किसने लगाई? कोई तो ऐसा ऊंट भी होगा जो पहली दफा बीमार हुआ होगा, पहली दफा जो ऊंट खारिश वाला हुआ है उसको खारिश किससे लगी है? गोया आपके समझाने का मकसद यह था कि ये तेरा बहन है, बीमारी हो शिफा हो ये दोनों अल्लाह की तरफ से। और जब तक, और मुहद्दिसीन ने इसका यही जवाब दिया है कि जिन रिवायात में आपने ताउन वाले इलाके से ना निकलने का और वहां ना जाने का हुक्म दिया है उसका यही जवाब दिया है कि जहां ताउन होता है वहां रहते रहो, सब्र करो, सब्र करो, रहते रहो, और ये यकीन रखो कि अगर तकदीर में ये मर्ज आपके लिए लिखा है तो आप इस शहर से बाहर निकल कर भी नहीं बच सकते, और अगर तकदीर में ये मर्ज आपके लिए नहीं है उस शहर में रहकर भी आ बचे। गोया आपके कहने का ये आपकी बातों में तजाद नहीं है, आपने इस बात का रद्द किया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी खुद से बीमारी के जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होते, खुद से। अब आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, सैयदा आयशा की गोद में सर रखकर लेटे हुए, बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी दिन, बीमारी शिद्दत,
हर ऐसा के भाई अब्दुलरहमान आते हैं और उनके हाथ में एक मिसवाक है जो ताजी ताजी कटी हुई है और आगे अभी उसका ब्रश नहीं बना है, लकड़ी कटी हुई है लेकिन ब्रश नहीं बना है। नबी करीम सल्लम ने अब्दुलरहमान बिन औफ के हाथ में मिसवाक देखी, फिर ऐशा को देखा, फिर मिसवाक देखी, ऐशा को देखा, आप बोल नहीं पा रहे। अब आप देखिए तकलीफ कितनी है अल्लाह के रसूल को, आप बोल नहीं, मिसवाक मांगना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। हजरत ऐशा समझ कि आप मिसवाक चाहते हैं, आपने अब्दुलरहमान बिन औफ से मिसवाक ले ली और आपको मुंह के करीब की, आप अपना हाथ ऊपर ले आए लेकिन मिसवाक को पकड़ा, मुंह के अंदर भी किया लेकिन आपने फिर वापस गए। हजरत ऐशा समझ गई कि आप कमजोरी की वजह से चबा नहीं पा रहे, ब्रश बनाने के लिए जो मिसवाक के सिरे को चबाना पड़ता है आप चबा नहीं पा रहे। हजरत ऐशा ने लिया, अपने मुंह से अपने दांतों से उसे चबाए, उसे ब्रश बनाए। अब अल्लाह के रसूल बीमार है, आपने उस लकड़ी को अपने मुंह में लिया, हजरत ऐशा ने उस लकड़ी को लिया फिर अपने मुंह में लिया फिर उसको चबाया। हजरत ऐशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन मेरा लुआब और अल्लाह के रसूल का लुआब एक हो। लेकिन सैयद ऐशा आपके बाद हयात रहे, आपको कोई बीमारी नहीं हुई, अल्लाह के रसूल की ये बात सही, कोई बीमारी बताती नहीं, सिर्फ हमारे एतकाद का उसका जोर। आपने फरमाया कि हर मुसलमान के लिए अत्ताउन शहादतुल लिकुल मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए ताउन की बीमारी शहादत की मौत मुसलमान की। सैयद आयशा फरमाती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ताउन से मुताल्लिक कि अल्लाह के रसूल ये ताउन क्या है, ताउन क्या है? आपने फरमाया इन्नहु काना अज़ाबन अला मन यशा, ये यबअथुल्लाहु अला मन यशा, कि ये एक अजाब था अल्लाह जिस पर चाहता था इसे भेज देता था, ये अजाब था अल्लाह जिस पर चाहता था इसे भेज देता था, फजअल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कर दिया है लिल मुमिनीना, मोमिनीन के लिए रहमतन रहमत, मोमिनीन के लिए अल्लाह ने इसे रहमत बना दिया इस अजाब को। आपने फरमाया कोई भी बुखार कोई भी तकलीफ मोमिन के लिए रहमत इसलिए है, आप बुखार को बुरा ना कहें, रहमत इसलिए है। आपने फरमाया कि जब वो शख्स बिस्तर पे पड़ा पड़ा बीमार है, पांच साल चार साल दो साल उसने बिस्तर पे गुजारा, जब वो बिस्तर छोड़ता है यानी दुनिया से चला जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो बिस्तर छोड़ता है उसके सारे गुनाह भी अल्लाह ताला बिस्तर के साथ लगा देता है और उसको पाक साफ अपने पास बुला देता है। वो बीमारी उसके गुनाहों की पापी का बायस बन जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी आप जब किसी के पास जाते यादत फरमाते उसके सीने पे हाथ रखते हाथ फेरते फरमाते लाबासा तो उन्होंने इंशाअल्लाह कि परेशानी की कोई बात नहीं इंशाअल्लाह ये बुखार ये तकलीफ ये दुख ये दर्द ये पाकीज़गी का बायस बने ये तहारत का बायस बने। तो ये हत्ता के हदीस में आता है एक शौका एक कांटा मुसलमान को अगर चुभता है राह चलते जूते में कील घुस गई, ज्यादा लंबी भी नहीं थी मामूली सी लेकिन तकलीफ हुई, आपने जूते से कील निकाल दी थोड़ी तकलीफ हुई
अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तकलीफ के सबब जो मुसलमान को कांटा चुभने से हुई है, अल्लाह ताला उसका एक गुनाह माफ करता है, एक दर्जा बुलंद करता है। तो मुसलमान की कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं है जो उसके लिए बायस अजाब है, बायस खैर है, बायस रहमत है। इसलिए खंदा पेशानी से उसे कबूल करें। हजरत अता बिन अबी रबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ज़ेल क़द्र ताबी, ताबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में सहाबी को देखा हो, बहुत बड़े ताबी, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, फाज़िल मुत्तकी नेक भी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में कहते हैं मा लक़ीतु अफ़ज़ल मिन अता बिन अबी रबा, मैं अपनी जिंदगी में जिन लोगों से मिला हूं अता बिन अबी से भी ज्यादा नेक और आलिम फाजिल शख्स मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिला। फिर ये भी कहते हैं मारा तो अक्सर में जाकर जोफे, मैं जिन लोगों से अपनी जिंदगी में मिला हूं उनमें जाकर जोफी से ज्यादा झूठा शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो यह अता बिन अबी रबा जिसकी इमाम अबू हनीफा भी तारीफ करते हैं, ये फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी के चचा के बेटे, सॉरी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी के चचा के बेटे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि क्या तू पसंद करता है कि मैं तुझे एक जन्नती औरत दिखाऊं। मैंने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, जरूर दिखाओ। तो वहां से एक औरत गुजरी जो बिल्कुल काली सिया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि इसे देखो ये जन्नती औरत है। मैंने कहा तुझे कैसे पता ये जन्नती औरत? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे थे और ये औरत आई, रसूल सल्लम के पास आई और आकर इसने कहा या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी है, दौरा पड़ता है मिर्गी का और मैं बेहोश होकर गिर जाती हूं, मेरे लिए दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे ये बीमारी से निजात दे। आपने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं और अल्लाह अपने फजल से तेरी बीमारी दूर भी कर देगा, और अगर इंशित इसबरी फलक जन्नत, और अगर चाहे तो सबर कर तेरे लिए जन्नत है। दो ऑप्शन उसे आपने दिए, उसके सामने आपने दो ऑप्शन रखे कि जन्नत चाहिए या बीमारी से शिफा चाहिए। अब उस औरत को देखो अनपढ़, हम जैसे होते हम फौरन कहते पता नहीं, हम तो बनिए हैं ना, वो सोच नौ नद न तेरा उधार, शिफा तो अभी मिलने वाली है, जन्नत का तो वादा है, किसने देखी है? उस औरत ने फौरन कहा अल्लाह के रसूल चाहती तो मैं जन्नत और मैं इसके लिए सब्र भी करूंगी, लेकिन मेरे साथ एक छोटा सा मसला है, मैं औरत जार हूं और औरत के लिए जो शर्म हया मर्दों की निस्बत ये ज्यादा अहमियत रखता है, मैं कहीं भी रास्ते में किसी भी जगह अचानक कभी भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती हूं, मेरा चेहरा खुल जाता है, गिरते वक्त हो सकता है कमीज पेट से हट जाती हो, दामन हट जाता हो, जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर हो जाता हो मर्दों के सामने, तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि जब मैं इस दौरे से बेहोश होकर गिरूं तो मेरा कोई जिस्म का हिस्सा न खुले। आपने उसके लिए दुआ फरमा, चलिए यानी अगर तू बीमारी को बर्दाश्त करती है और अल्लाह से सब्र करती है, सब्र की उम्मीद रखती है तो तेरे लिए जन्नत है। गोया मुसलमान की कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं है जो उसे जन्नत देकर न जाए, उसके गुनाहों की माफी का बायस बनता है, गुनाहों की बख्शिश का बायस बनता है। हदीस में आता है ला यज़ालुल बला बिल मुमिन फल मुमिन,
अल्लाह ताला मुसलमान मोमिन मर्दों को भी और मोमिन औरतों को भी हमेशा आजमाता रहता है फी नफ्स ही व माल ही व बलद, फरमाया कभी उसके जिस्म को तकलीफ में डालकर, जिस्मानी तकलीफ में अल्लाह उसे आजमाता है, वह फी माल ही कभी माली परेशानियां देकर अल्लाह ताला उसे आजमाता है, वह औलाद ही और कभी औलाद की तरफ से परेशानियां देकर अल्लाह उसे आजमाता है। और आदमी अपनी परेशानियां, जाती परेशानियां आदमी बहुत कोशिश करता है उसे बर्दाश्त कर जाता है, औलाद के दुख नहीं देखता। और ये हकीकत है, अब मुझे कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, आदमी सोचता है चलो दुआ कर लूंगा, कोई दम कर लूंगा खुद को ही, दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाएंगे 500 वो फीस देगा, कितने हजार के टेस्ट लिख के देगा, कितने की दवाई देगा, मुसीबत है। लेकिन अगर बच्चा बीमार हो जाए तो आदमी ये कभी नहीं सोचता कि डॉक्टर के पास जाऊंगा, पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, आदमी आधी रात को भी उठकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता, बच्चों के दुख नहीं देखेगा। तो अल्लाह ताला कहता है मोमिन मर्द हो या मोमिन औरत, मैं उसे हमेशा आजमाता हूं, उसके जिस्म से भी, उसके माल से भी, उसकी औलाद से। लेकिन जब वो सबर करता है और उस पर कामयाब होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला का उसके लिए जन्नत का वादा है। जब वो उसमें सबर से कामयाब होता है, सुरखरू होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला अपने बंदु में सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों को देता है? लोगों के जहन में यह होता है कि इसको जो तकलीफ आई है ना, ये जरूर ये कोई गलत काम इसने किया है। ऐसा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस पूछते हैं अल्लाह के रसूल अपने बंदु में अल्लाह सबसे ज्यादा तकलीफ किन को देता है, सबसे ज्यादा मुसीबत, सबसे ज्यादा आफत, सबसे बड़ी आजमाइश किन को देता है? आपने फरमाया अपने अंबिया को, अपने अंबिया को। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनके जूते के तलवे की मट्टी बराबर भी हम नहीं है। अगर हमें अल्लाह इतनी भी इज्जत दे दे जितना पैगंबर के जूते के तलवे को मट्टी लगी होती है ना, तो भी हम खुश नसीब हैं। लेकिन अल्लाह अपने अंबिया को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, हालांकि उनके दामन में कोई गुनाह नहीं होता, उनके दामन नेकियों से भरे हुए होते। अल्लाह ताला सिर्फ उनको अपने करीब करने, अपने करीब करने और करीब करने, दर्जा ऊंचा देने के लिए आजमाइश की चक्की से निकालता है। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अब मेहंदी के पत्ते ऐसे हाथों पे बांध ले, एक महीने तक भी बंधे रहे कलर नहीं देंगे, जब तक आप उसे पीसेंगे। रंग देने के लिए पिसना जरूरी है। अल्लाह ताला उस चक्की में जो आजमाइश की चक्की है, एक तलाक की चक्की है, उसमें इंसान को पीसता है, फिर इंसान पर लाजिम है कि वो सबर करे। हत्ता के बाद चीजों में हम, हालांकि शरीयत ने इस चीज को जायज रखा, दम है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपने इसे जायज रखा। आप कुरान हदीस की दुआएं पढ़ के किसी को दम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया जो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे और बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, आपने फरमाया उनमें पहले वो लोग होंगे
जिन्होंने कभी दम झाड़ा नहीं करा, दम झाड़ा नहीं करा। इस चीज को भी आप दुष्ट करें, जरा सा किसी को घुटने में दर्द हुआ बोली साहब के पास, नजला हुआ बोली साहब, जुकाम हुआ बोली साहब के पास, ठीक है बोली साहब दम करेंगे ठीक भी हो जाएगा, बोतल भी पार में देंगे वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आप कितने बड़े फायदे से मारूंगे, कितने बड़े फायदे से। आपने फरमाया वो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे जो ना दम धारा कराते हैं, भला जब तुम ना वो दाग लगवाते हैं। ये भी इलाज का एक तरीका था, लोहे की एक सलाई या कोई ऐसी चीज होती थी उसको गर्म करते थे, जैसे लोहार के पास एक टाका लगाने वाला काइया होता है, आगे मोटा सा बट्टा होता है लगा हुआ, और उसको गर्म करके फिर एक मिसाले में लगा के फिर उसको टाका लगाते हैं, ऐसे वो उसको गर्म करके जिस्म पे ऐसे टच करते थे, टच करते फिर फटाफट हटाते थे उसको, उससे वो बीमारी चली जाती। ये भी इलाज का एक तरीका था उस जमाने में। अल्लाह के रसूल ने इसकी बजाय सींगी लगवाने को, जिसे हजामा कहते हैं, इसको पसंद फरमाया और दाग को पसंद नहीं फरमाया। आग से किसी भी तरह के इलाज को आपने पसंद नहीं फरमाया। सींगी लगवाई यानी हजामा, वो आप भी लगवाए, बहुत मसनून तरीका इलाज है और बड़े फवायद हैं। आपने फरमाया वो दाग नहीं लगवाते, वला यतसयरून, और परिंदों से फाल नहीं लेते। दौरे जारियत पे लोग सफर के लिए निकलते थे और ऐसे कंकर फेंकते थे, आगे जो कबूतर फाख्ता कोई भी चीज बैठी हुई है उसको पत्थर मारते थे, अगर वो बाएं तरफ उड़ गया तो वापस घर आ जाते थे, ये सफर में लूट, और अगर वो दाएं तरफ उड़ा तो फिर कहते थे सफर मुबारक है, सफर करते थे, और अगर सीधा ही चला गया तो फिर वो कहते थे अरे इख्तियार है, इसमें दोनों खतरात मौजूद है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। शरीयत ने इस तरह के फालों को भी पसंद नहीं फरमाया। ये बजाहिर बड़ी छोटी बातें हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं, वो देखो खुद कहते हैं, फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब भी मैं बीमार होता हूं वही रब्बुल आलमीन मुझे शिफा देता है, जब भी रब्बुल आलमीन मुझे बीमारी की सूरत में आजमाइश में डालता है। कितने बड़े बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजे और उनको आजमाया, हमने तो उन आजमाइशों में से कुछ भी नहीं देखा। एक बेटा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे की निशानी, बुढ़ापे का सहारा भी है, अपने हाथों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म किया कि छुरा अपने हाथ में पकड़, अपने लगते जिगर को लिटा दीजिए, गर्दन पे छुरी चला दीजिए, ये ना देखिए कि ये मेरा लगते जिगर है, ये आजमाइश कितनी बड़ी आजमाइश। आदमी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी तौहीद की खातिर आदमी भी कूद जाइए, कूद गए। आदमी अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करता है, बचपन में उन्हें सहारा बनाता है, अल्लाह ने कहा मेरी तौहीद की खातिर माँ बाप को छोड़ दीजिए, छोड़ दी। आदमी अपनी बीवी से छोटे बच्चों से प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजर और इस्माइल को बैतुल्लाह शरीफ में बिठा दीजिए, कोई आबादी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खुराक का इंतजाम नहीं, कोई रखवाला नहीं, यहां छोड़ दीजिए। अल्लाह के दीन के लिए कोई पूछा भी नहीं, इलाहुल आलमीन ये कोई इंसाफ तो नहीं, वीराने में बीवी बच्चों को यहां छोड़ दो, लेकर अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिए। फरमाया रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरी ज़ी ज़र्इन 'इंदा बैतिकल मुहर्रम, अय अल्लाह मैं बेआबो की आबादी में अपने बच्चों को छोड़े जा रहा हूं तेरे घर मुहर्रम घर के पास, लियकीमस्सलात, इसलिए ताकि ये नमाजी बने, नेक बने, कोई परवाह नहीं, बड़े आजमाइश है। तो मेरे भाइयों, आपको अगर कोई तकलीफ, कोई बीमारी,
आती है उस पर सबर है। ये मोमिन की हर तकलीफ आपके गुनाहों का कफारा, आपकी निजात का जरिया, दोजख से बचाव का जरिया और आखिरत में जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो भी परेशानियां लाहिक होती हैं अल्लाह ताला हमें सबर से भी झीलने की तौफीक दे और फिर अल्लाह ताला उसे हमारे गुनाहों का सबब भी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।